हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो 4.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना दो भाग पे, जिसको लेके वो अपना इक्वेशन बनेगा। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, कंसीडर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एक्स को हम लोग अगर 1 से रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए, प्लस प्लस 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, देखिए 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 जो है इज अ स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट 1 is 0 of quadratic polynomial of the equation this. 1 is a 0 of all quadratic polynomial and 1 is the root of quadratic equation this. ठीक है? A is the real number of a quadratic equation. ठीक है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन हमारा ये रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो उसको हम लोग ये ले सकते हैं, ए इज अ रियल नंबर। ये साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ए इज अ रियल नंबर ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो x की जगह पर हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, रियल नंबर का, ठीक है। वेयर x इज इक्वल टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें नोट क्या करना है अपने को, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट 0 of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c equal to 0 and the root of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0, both are same। मतलब क्या कह रहा है, अगर a is a real number of quadratic equation this, तो x को हम a से real number से replace कर देंगे। real number का symbol क्या है, ये इससे अगर हम replace कर देंगे इसको, तो क्या आ रहा है, 0 of a quadratic polynomial this of the equation and the root of quadratic equation both are same, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं फैक्टराइजेशन का। देखिए इसको हम क्या करें, फैक्टराइजेशन क्या था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 लाना है अपने को, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 2x माइनस 3x प्लस 3। अगर इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खुलेगा
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद क्या हो जाएगा, 5x आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें से हम लोग टू, अगर हम लोग इसमें से टू कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन माइनस इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कैसे आया? देखिए माइनस 3x माइनस माइनस प्लस, प्लस जाके 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक x का दो वैल्यू आ गया फैक्टराइजेशन से, और ये इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 बाई 2, और इसमें x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या निकला, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा अपना, इसका फैक्टराइजेशन वैल्यू क्या आ जाएगा, अपना x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 बाई 2 एंड 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर समझ में आ गया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.2। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में 5 क्वेश्चंस आएंगे, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन में क्या सिखाए थे, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10 लिख सकते हैं, 5x माइनस 2x हो जाएगा 3x। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। तो ये दो टर्म को हम लोग कॉमन ले लेंगे, देखिए इसमें से हम लोग x निकाल लेंगे, x माइनस 5, और इसमें क्या निकाल लेंगे, 2 निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5, क्लियर है, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस केस में x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 2, इस केस में x का वैल्यू आ जाएगा 5। तो क्या निकल गया हमारा, रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वैल्यू इज माइनस 2 एंड 5। क्लियर है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या किया हुआ है, 2x square plus x minus x equal to 0, इसको स्प्लिट करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x minus 3x minus 6 equal to 0। ठीक है, प्लस 4x plus minus minus 3x minus 6 equal to 0, दो पार्ट में बांट दिए, इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, 2x निकाल लेंगे कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, और इस केस में हम लोग क्या निकाल लेंगे, 3 निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है, तो अपना वैल्यू क्या आ गया, x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x minus 3 equal to 0 and x plus 2 equal to 0। तो इसमें क्या आ जाएगा, x is equal to 3 by 2 and x is equal to minus 2। So the root of the following quadratic equation, the values are 3 by 2 and minus 2। Clear है? चलिए third question देखते हैं। चलिए ये question देखते हैं। क्या दिया हुआ है?
अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, क्लियर है? इसकी जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, रूट टू एक्स प्लस 5, क्लियर है? इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रूट टू को कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बच जाएगा, रूट टू एक्स प्लस 5। ये रूट टू एक्स कहां से आया, देखिए रूट टू इंटू रूट टू 2 होता है, ये यहां चल जाएगा, क्लियर है? देखिए क्या बना, x प्लस रूट टू, रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस रूट टू इक्वल टू 0 एंड टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस रूट टू एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई रूट टू, क्लियर है? तो टू वैल्यूज क्या आ गया हमारा, माइनस 2 एंड माइनस 5 बाई रूट टू, क्लियर है? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए डिनोमिनेटर 8 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए अपने पास टर्म क्या बच गया बीच में, 8x, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है? तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस 1 इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आएगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 वैल्यू क्या बन गया अपना, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 by 4, इस केस में x का वैल्यू 1 by 4, hence the root of the following quadratic equations are 1 by 4 and 1 by 4, clear है? चलिए fifth question, चलिए ये question देखते हैं, इसमें क्या कर दिया हुआ है, 20x है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x square minus 10x plus 10x minus प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0, इसमें से 10x हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 10x माइनस 1, और इस केस में 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्लियर है? दो टर्म क्या आ गया, x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आ गया, 1 बाई 10, 1 बाई 10, hence
the root of the following quadratic equations, the values are 1 by 10 and 1 by 10. Clear question number 1? कुछ भी डाउट हो आप हमें क्वेश्चन नंबर वाइज कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर हमारा दो क्वेश्चन आएगा 1 और 2। चलिए पहला देखते हैं क्या दिया हुआ है कि x² - 45x + 324x इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36x + 9x = 0। इसको जब ब्रैकेट से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -+-9x = 0। ये दो टर्म को हम लोग स्प्लिट कर देंगे टू पार्ट में। इसके समय x निकालेंगे कॉमन, x - 36। इस केस में हम लोग 9 को निकाल लेंगे कॉमन, तो क्या आ जाएगा, x - 36 = 0। तो टर्म क्या बन गया अपना, x - 36 = 0। x - 9 = 0 एंड x - 36 = 0। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, x = 9 एंड x = 36। इस इक्वेशन का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 9 और 36। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, x² - 55x + 750 = 0। देखिए इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, x² इसको हम लोग लिख सकते हैं 30x + 25x + 750 = 0। क्लियर है। चलिए इसमें क्या आ जाएगा, x² - 30x - +-25 + 750। क्लियर है। तो इस केस में x कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, x - 30, ठीक है। और इस केस में हम लोग 25 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, x - 30 = 0। क्लियर है। देखिए दो टर्म क्या बन गया हमारा, x - 25 x - 30 = 0। x - 25 = 0 एंड x - 30 = 0। तो इसमें से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x = 25 एंड x = 30। तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या निकाला हमारा, 25 एंड 30। और क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। टू नंबर फाइंड करना है, तो लेट द नंबर बी 2x + 1x - 1। तो पहला इक्वेशन क्या बन रहा है अपना, सम दिया हुआ है x + y = 27 और सेकेंड क्या है, प्रोडक्ट है = 182। इसमें हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y = 182/x, ठीक है। देखिए ये जो इक्वेशन आया, इस y पे हम लोग पुट कर देंगे, x + y की जगह में क्या कर देंगे, 182x 27। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 182 = 27x। इक्वेशन क्या बना हमारा, x² - 27x + 182 = 0। क्लियर है। अब देखिए 27 आया, इसको हम लोग टू पार्ट में स्प्लिट करेंगे, टू पार्ट में स्प्लिट कर देंगे,
ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को हम लोग कर देंगे फोर्टीन एक्स प्लस थर्टीन एक्स, तो आ जाएगा 27x। क्लियर है? देखिए इसको जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, दो टर्म आ गया इस वाले में, हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 14, और इस केस में 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू जीरो। दो टर्म क्या बन गया, x माइनस 13 एंड x माइनस 14। तो x माइनस 13 इक्वल टू जीरो एंड x माइनस 14 इक्वल टू जीरो, तो इस केस में x का वैल्यू आ रहा 13, इस केस में x का वैल्यू आ रहा 14। देखिए x का वैल्यू 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, इस x को वैल्यू को हम लोग इस दोनों में पुट करेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पे x प्लस वाई इज बल 27 में, तो x का वैल्यू 13, तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है 14। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे y इज बल टू 182 बाई 14, तो y का वैल्यू आ जा रहा है 13। देखिए x x आ रहा है 13 14, y आ रहा है 13 14, तो अपना दो नंबर क्या हो गया x एंड y 13 एंड 14, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 13 एंड 14। क्लियर है? अब समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उस सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365। टू कंसेक्यूटिव नंबर बोल रहा है। लेट द नंबर बी x एंड x प्लस 1। ठीक है, सम ऑफ हूज स्क्वायर, यानी दोनों का सम जो रहेगा उसका स्क्वायर करने में कितना जा रहा, 365। ये किस फॉर्म में आया है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, x स्क्वायर ये वाला पार्ट को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 364 इक्वल टू जीरो। देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं, और शॉर्ट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया, क्लियर है? इसको सॉल्व करें, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 14x माइनस 13x, तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस माइनस इक्वल टू जीरो। x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू जीरो। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, x कॉमन ले ले रहे हैं, तो क्या आ रहा है x प्लस 14। इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस 13 ले लेंगे
तो ये आ जाएगा x प्लस 14 एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। दो वैल्यू क्या आ गया हमारा, एक्स माइनस 13 एंड एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 13 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 14। क्लियर है, ये आ गया एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर पूछा गया है, तो पॉजिटिव इंटीजर में वैल्यू नेगेटिव तो होगा नहीं, अपना वैल्यू क्या होगा, एक्स इक्वल टू 13। पहला इंटीजर मिल गया, दूसरा इंटीजर क्या होगा, एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स प्लस 1, एक्स वैल्यू 13 है, प्लस 1 14। तो दो इंटीजर क्या मिल गया अपने को, 13 एंड 14। होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। कुछ भी डाउट हो रहा होगा आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर वाइज करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ए बी सी, क्या बोल रहा है, बेस इज एक्स, राइट एंगल इज 7, एक्स माइनस 7, और हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ, 13। ये गिवन है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये निकल सकता है। ए सी स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 13 ए बी स्क्वायर कितना है, 13, कितना दिया हुआ है, प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए किस फॉर्म में आया है, ए माइनस बी के स्क्वायर में। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्म में डाल देंगे इसको, ये 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169, इसमें क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x। क्लियर है, एक्स स्क्वायर क्लियर है। देखिए ये क्या आ जाएगा, 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस 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 का साइन बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 120 इक्वल टू 0। इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर, कोई डाउट, क्लियर है। इसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं, अपना इक्वेशन ये बन गया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। देखिए x स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0,
देखिए दो टर्म में बट जाएगा, इसमें x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12, इसमें 5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए दो टर्म क्या बन गया, x प्लस 5 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0, इसमें क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5 एंड x इक्वल टू 12। क्लियर है? देखिए एटीट्यूड जो है अपराइट एंगल कैन नेवर बी नेगेटिव, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे x का 12 लेंगे। अच्छा बेस अपन निकल गया 12, तो हाइट क्या निकल जाएगा कि x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, तो अपना वैल्यू क्या आ गया, एक 12 हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, तो वैल्यू हमारा क्या आया 5 एंड 12। होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article is rupees 30। क्या दिया हुआ, cost of production of each article is rupees 3 more than the number of article produced on that day। If the total cost of production of that day was 90, total cost of production कितना दिया हुआ है 90, तो हम लोग find क्या करना, find the number of article produced and द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल को हम लोग क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को हम लोग एक्स ले लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, cost of production of each article is 3 more than twice the number of article produced, article produced x था हमारा, ये आ गया। अब क्या दिया, the total cost of production of that day was 90, the total cost of production क्या है equal to number of article produced into कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 90, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना है x, इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है 2x प्लस 3, ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा इससे 2x प्लस 3x, हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा 2x प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम लोग को सॉल्व क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करना है एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए बोर्ड में स्पेस कम है इसलिए ऊपर क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। क्वेश्चन क्या निकल गया है, ये क्वेश्चन आया हमारा, तो इसको देखिए मिडिल टर्म सेट करना है 2x स्क्वायर ये लिख सकते हैं 15x माइनस 12x, तो अपने को वैल्यू क्या देगा 3x। इसको सॉल्व करते ब्रैकेट ओपन करेंगे
2x square plus 15x minus 12x minus 90 equal to 0. देखिए दो टर्म बन गया हमारा। देखिए ये है, इसके बाद हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x plus 15, इस केस में 6 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x plus 15 equal to 0. दो टर्म क्या बना, x minus 6 एंड 2x plus 15 equal to 0. x minus 6 equal to 0 एंड 2x plus 15 equal to 0. तो इसमें x का वैल्यू 6 आ गया, इसमें x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 15 बाई 2, लेकिन प्रोडक्शन का भी नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए ये कुछ नहीं होगा। वैल्यू क्या होगा हमारा x, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा 6, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था 2x plus 3, तो 2 into 6 plus 3, 6 to the 12, 12 plus 3, 15, तो cost हमारा क्या निकल गया, cost हमारा 15 निकला, number of production कितना निकला, 6, clear है, कुछ भी doubt आपको लग रहा हो, कुछ भी question अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो question number wise करके आप हमें comment section में पूछ सकते हैं, और अगर आपने हमारा previous video नहीं देखा है अभी तक, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था, बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व किया था, आप ऊपर आई बटन में प्रेस करके उसको फॉलो कर सकते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा, आप उधर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।